एक्ने एक ऐसी समस्या है जिससे आप में से ज़्यादातर लोग परेशान हुए ही होंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में। तो क्या है एक्ने, आइए जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक चौधरी और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल में। तो एक्ने क्या है, मुहासे क्या हैं, इनको जानने से पहले ये जानिए कि हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसको सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं जिससे पसीना आता है, वैसे ही एक सिबेशियस ग्लैंड होती है जो कि बेसिकली ऑयल सिक्रीट करती हैं या ऑयल निकालती हैं, जिससे आपकी स्किन नेचुरली स्मूथ रहती है। तो जब इन्हीं ऑयल वाली जो ग्रंथियां हैं, जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, जब इनमें सूजन आ जाती है, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उन्हीं को हम एक्ने बोलते हैं। अब ये कई फॉर्म में होते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड सुना होगा आप लोगों ने, और पस्चूल के फॉर्म में, यानी जो पक जाते हैं, उनमें पस भर जाता है। इस डिफरेंट अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है और कहीं पर भी होते हैं, बट मोस्टली आपके फेस पर, बैक पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप कॉजेज़ की बात करेंगे तो कॉजेज़ कोई एग्जैक्ट फिक्स कॉज हम नहीं कह सकते, बट कुछ प्रोबेबल कॉज मानते हैं हम कि शायद इनकी वजह से होते हों एक्ने। जिनमें से एक है हेरिडिटरी या जो जेनेटिक कॉज है, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है एक्ने आपके माता पिता के साइड में, तो हो सकता है कि आपको कभी ना कभी लाइफ में हो। इसके अलावा जो आपका डाइटरी फैक्टर है, यानी कि अगर आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा तेल मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस का, जो कि प्यूबर्टी के टाइम में देखने को मिलता है। जो हम यंग जो एडल्ट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट एज में, ये हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उस टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी होता है, तो उसकी वजह से भी एक्ने होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो भी आपको एक्ने हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हाइजीन प्रॉपर नहीं है, यानी अगर आप फेस को अच्छे ढंग से साफ़ नहीं रखते हैं, अपनी स्किन को अच्छे ढंग से साफ़ नहीं रखते हैं, तो भी आपको गंदगी की वजह से एक्ने हो सकते हैं। और एक और कारण भी है कि बहुत ज़्यादा कोई कॉस्मेटिक का इस्तेमाल या कोई स्टेरॉयडल क्रीम का इस्तेमाल, इनकी वजह से भी आपको एक्ने हो सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहला चीज़ हम ये करें कि बहुत सारे लोगों का ये प्रैक्टिस होता है, ख़ास तौर पे जो यंग जो लोग हैं, जो एडोलेसेंट एज में हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो इनको फोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको दबा के प्रेस करके उनको बर्स्ट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस सबसे पहले नहीं करनी चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर एक बार सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो वो पक जाएंगे और फिर हो सकता है कि उनके निशान रह जाए, उसमें स्कारिंग हो जाए। तो ये प्रैक्टिस सबसे पहले अवॉइड करिए, उनको फोड़ने की, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। उसके बाद आप फेस को वॉश करिए, सादे पानी से आप वॉश करिए, या बहुत कोई माइल्ड अगर आपके पास सोप है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक फेस वॉश या कोई हार्ड सोप वगैरह यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सादे पानी से फेस को दिन में 2 से 3 बार 4 बार आप वॉश करिए, तो आप देखेंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डाइट को तुरंत सुधारें। डाइट में अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्ते वाली भी सब्जियां अगर आपको पसंद हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं, और जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स, ये दो चीज़ें अगर आप इंक्लूड करेंगे डाइट में, और जितनी तेल मसाले या बहुत ज़्यादा जो फैट रिच या फास्ट फूड है बाहर का कुछ भी, ये अगर आप बिल्कुल कम कर दें और इन चीज़ों को बढ़ा लें, जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली, और जो फ्रूट्स हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत रैपिड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। स्ट्रेस अगर आपको है तो स्ट्रेस के लिए आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से, और साथ ही साथ में आप योगा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ही कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा कोई ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, और किसी भी तरह का स्टेरॉयडल क्रीम का इस्तेमाल ना करें स्किन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं।
ये चीज़ें करिए। और इसके साथ में आप अगर होम्योपैथी लेंगे, होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन इलाज है एक्ने का। आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से संपर्क करेंगे तो वो आपका केस लेने के बाद में आपको दवा देंगे जो भी अप्रोप्रिएट होगा, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट और बहुत ही रैपिड रिज़ल्ट देखने को मिलता है एक्ने के केसेस में। मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है और भी दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस में आप ऐसा देखेंगे कि बहुत रैपिड रिज़ल्ट एक्ने के केसेस में, बहुत ही जल्द रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप वीडियो देख रहे हैं बट अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह के वीडियो ला सकूँ आप सभी के लिए, और मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिल सके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।